दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले देश के सबसे ईमानदार नेता, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर क्वेश्चन मार्क लगाया। परंतु वर्ष 2015 में दिल्ली को लंदन बनाने वाले सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, जो स्वघोषित हैं, वो कहते कि है कोई मेरे मुकाबले में। अभी तक नजफगढ़ को टेम्स नदी से निजात क्यों नहीं दिला पाए? मेरी समझ में तो ये भी नहीं आता है कि नजफगढ़ के लोगों ने गहलोत साहब को किस लिए वोट दिया था दोबारा 2019 में। क्या इसलिए वोट दिया था कि इन्हें, जो नजफगढ़ के लोग हैं, उनको टेम्स नदी से बाहर निकल करके हर चौराहे पर, हर सड़क के किनारे निकल करके मेंढक की तरह टट्टर करना था? क्या इसीलिए वोट दिया था? तो मैं जानना चाहता हूँ, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो इस टेम्स नदी से नजफगढ़ की कब निजात दिलाएंगे? वैसे भी वो बुंदेलखंड की बात करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, यदि किसी को यकीन ना हो, आज की डेट में, आज अभी इसी वक्त जा करके नजफगढ़ से छावला जाने वाली रोड पर जा सकते हैं आप। वहाँ उस रोड पर झूले का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोड ऐसे ऐसे है, दैट इज़ नाव निर्मित रोड। उस पर अभी तक डिवाइडर, मतलब वो रोड बनी और उसके डिवाइडर जो होते हैं ना बीच में, उसमें पत्थर लगाने का काले और वाइट स्ट्रिप वाला काम है, अभी चल रहा है। मतलब वो पूरी तरह बन के तैयार भी नहीं है, उससे पहले वे झूले की तरह झूलने लगी हैं उस पर गाड़ियाँ। तो मेरा विचार है कि अगर सबसे ईमानदार व्यक्ति इस देश के, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री इस देश के, यदि दूसरे की धोती में झांकने के बजाय थोड़ा अपना पजामा या पैंट में भी झांक लेते, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। थैंक यू एंड बाय बाय।